पॉइंट है यहाँ पर तकरीबन 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ये तकरीबन 3 किलोमीटर पे है, वो जो सामने पहाड़ है उस पहाड़ से इस साइड पे ये लेफ्ट। वो रिवर्स चलो, अभी हम पहुंच के आसमानी मोड़ पे, ये हमारे पास आसमानी मोड़ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं गुलकादर शाह ऑफिशियल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्ट्रिक्ट शंगला। यखटंगे आप लोग दिखाएंगे, देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी ग्रीनरी है। आप लोगों को शंगला की खूबसूरती दिखाएंगे। अभी सबसे पहले हमने जाना है बिल्कुल टॉप पे, वो शंगला टॉप है, उससे फिर हमने नीचे उतरना है यखटंगे। उरण भाई है हमारे साथ। नाजरीन, ये खूबसूरत इलाका शंगला स्वात मिंगवारा से तकरीबन 25 किलोमीटर के पास ले पे वाकया है। अभी हम पहुंच के आसमानी मोड़ पे, ये हमारे पास आसमानी मोड़ है और इसको दूसरा नाम कहते हैं शंगला टॉप। इस टॉप पे लोग आते हैं, यहाँ पर व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, देख सकते हैं दोनों साइडों पे ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आ रही है। अभी जो है बारिश का कोई सीन बन गया है, कुछ आधा घंटा पहले यहाँ पर अच्छी खासी धूप थी और अभी जो है बारिश का बादल शादल आ गए हैं, तो आई थिंक बारिश होने वाली है। आगे चलते हैं, अभी हमने ये जो रोड आप लोगों को नज़र आ रहा है, ऑल द वे हमने जाना है आगे, उससे पीछे हमने नीचे उतरना है और इस पहाड़ की उस साइड पे हमने जाना है यखटंगे, तो वो भी आप लोग दिखाते हैं। तो दिस इज़ द शंगला टॉप। नाजरीन, शंगला टॉप से आगे हमने जाना था यखटंगे। यखटंगे के रास्ते पे आपको खूबसूरती और ग्रीन पहाड़ भी देखने को मिलते हैं। शंगला टॉप से उतर के आप जब अलपुरई पुराण की तरफ जा रहे हो तो राइट साइड पे यखटंगे की तरफ एक रास्ता निकलता है। सामने वाला जो है वो यखटंगे की तरफ है और ये मोड़ गए यखटंगे की तरफ। यखटंगे मींस यहाँ पर यखनी बोलते हैं, यू विल एंजॉय इट। अभी हम वो जो पुराण वाला रास्ता है उधर से नीचे हैं यखटंगे की तरफ और ये रोड जो है हम सारा यखटंगे की तरफ जाता है। यहाँ पर हम मुझे एक मिला है, कुछ तो हम जंगो कहते हैं लेफ्ट, तो आप लोग दिखाते हैं किस तरह है। यहाँ से कंट्रोल करते हैं और नाजरीन देख सकते हैं सुभान अल्लाह, इस साइड से उस साइड तक ये
साइड पे आ गया हूँ। यहाँ पर एक लिफ्ट भी लगी हुई है, तो जब आप मेन रोड से जो पुरन की साइड पे जा रहे हैं उससे आपसे जब लेफ्ट साइड मुड़ते हों यख्तंगे की तरफ, तो तकरीबन 5 मिनट के फासले पे एक लिफ्ट आता है। बहुत ही अमेजिंग लाइक चक्कर टाइप है, क्योंकि तकरीबन 3 किलोमीटर पे है। वो जो सामने पहाड़ है उस पहाड़ से इस साइड पे ये लिफ्ट कनेक्टेड है। तो मैं आया हूँ 3 किलोमीटर, तो अभी वापस भी जाऊँगा, आप लोगों के साथ लिफ्ट का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। देख सकते हैं ये लिफ्ट की रस्सी लगी हुई है और इतना को दूर है कि दूसरा साइड नज़र भी नहीं आ रहा। 3 किलोमीटर आई थिंक ये लिफ्ट है, तो अभी मैं आया हूँ, अभी वापस भी जाऊँगा। और जब आप नीचे देखते हो तो ऐसा लगता है कि आप कोई एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में बैठे हो। बहुत खूबसूरत व्यू नीचे नज़र आ रहा, तो आई रियली रिकमेंड कि अगर आप यख्तंगे आ रहे हो और आपने ये लिफ्ट इंजॉय नहीं किया। देख सकते हैं ये पुली लगी हुई है, इस पुली के थ्रू वो जनरेटर के थ्रू उधर से ड्रैग करता है और ये सारा जो लिफ्ट है वो इधर से उस पार लेके चलता है। इतना को दूर है, वो मकामी लोगों से मैंने पूछा है, वो बता रहे हैं कि तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर जो है ये रस्सी लगी हुई है। तो इस लोगों का जितनी भी ये यहाँ पर घर है कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये सारा लेन देन जो है इस लेफ्ट के थ्रू करते हैं। तो इलाका देख सकते हैं आप, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, चेयर लिफ्ट इंजॉय करने के बाद हमने यख्तंगी की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और रास्ते में ये खूबसूरत पहाड़ भी नज़र आए। यख्तंगे नाम से ये वाजिह है, पुश्तो में हम यख टर्न को कहते हैं, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं होती, और तंगे उस जगह को कहते हैं कि जो दो पहाड़ों के दरमियान हो। तो इस इलाके का नाम है यख्तंगे, लाइक पहाड़ों के दरमियान बहुत ठंडा इलाका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आए हुए हैं और बहुत ही ग्रीनरी है, बारिश अभी हुई है 5-6 मिनट पहले। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं यख्तंगे की ब्यूटी। यख्तंगे संग वाला गेद
गर्मी की जिले में खूब जबरदस्त बारान पकी वरी की और खूब कोई सुहाना मौसम ने और ये पूरी गरम गरम होगी पकी उरती की जिले की दाखला और ये लुगी सी की और बस ये सिस्टम सिस्टम रवान है। हाँ जी नाजरीन, यख तंगे जो है ये वाकई में बहुत ज़्यादा यख है। यख जिस तरह मैंने बताया पुश्तों में हम कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंड और तंगे उस साइड पर भी पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है, उस साइड भी पहाड़ है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर तकरीबन 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मैं गांव से आ रहा था वहाँ पर 30+ डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 10-11 तो बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। तेज की दिनों में यहाँ पर थोड़ा रश लगा हुआ है, लेकिन बंदा आना चाहते हैं तो ज़रूर आए, आई हाईली रिकमेंड। लेकिन ये है कि कुछ चादर शादर लेके आए अपने साथ, ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। ज़बरदस्त है नाज़रीन, यख तंगे जो है बहुत यख है। उस्मान गनी साहब बता रहे हैं, अगर उस्मान गनी साहब को ठंड लग गई है तो इट मीन्स यख तंगे वाकई में बहुत ज़्यादा यख है। हाँ जी नाज़रीन, यहाँ पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगा। अगर थोड़ा बहुत आपने मेरे व्लॉग इंजॉय किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कई और ख़ूबसूरत इलाके में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।